हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं सेम और उसको मुंबई में पापड़ी भी कहते हैं। इसके लिए मैंने क्या किया है, मैंने पापड़ी, आलू, कांदा और टमाटर और हर मिर्च को सबको एक साथ बॉईल कर दूंगी 5 मिनट के लिए। देखिए, इसको 5 मिनट के लिए आप ढक दीजिए। देखिए, हमारी सब्जी एकदम बॉईल हो गई है 5 मिनट में। इसको ज़्यादा बॉईल नहीं करना है, फिर हम इस गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसको अलग से छान लेंगे। पानी बहुत गर्म है, आप इसे ठंडा होने के बाद भी यूज़ कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर आप क्या करेंगे, सेम को कट कर लेंगे। कट करने के बाद आप एक टमाटर को छील लेंगे। ऐसी सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है गाइस, एक बार ज़रूर ट्राई करें। फिर पैन में हम 2 चम्मच ऑयल डालेंगे, फिर उसमें राई, जीरा, कांदा, प्याज कट करके एक डाल देंगे और उसी में हमने जो आलू बॉईल किया था उसको कट करके डाल देंगे। फिर हम सेम को भी अच्छे से कट कर लिए हैं, उसको भी इसके अंदर डाल देंगे। देखिए, सब्जी बहुत टेस्टी बनेगी गाइस, आप बाकी सब्जियां खाना भूल जाएंगे। फिर इसको आप ढक दीजिए। पहले आप इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए, इसको फिर आप 5 मिनट के लिए फिर से ढक दीजिए। गैस का फ्लेम लो रखिए, ये अपने भाप से ही पक गए चुके, क्योंकि हमारी सब्जियां लगभग पकी हुई हैं, हमें इन्हें ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम टमाटर है उसको जिसको छीला था उसको भी कट करके हम इस पर डाल दे सकते हैं। डाल दिए, फिर देखिए हमने इसके हर एक में हम हरे मसाले का यूज़ करेंगे। देखिए, हमने जो मिर्ची बॉयल किया था वो लिया है, लहसुन लिया है, अदरक लिया है, करी पत्ता लिया और धनिया लिया। इसको हम एक जार में डालेंगे, इसके बाद इसको अच्छे से हम हल्दी पाउडर डालेंगे थोड़ा सा, फिर हम इसमें गरम मसाला, फिर इसमें धनिया पाउडर डाल के सबको अच्छे से मिक्स कर दें। मिर्ची पाउडर हम नहीं डालेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने 3 मिर्ची ली थी, अगर आपको ज़्यादा तीखा खाना तो आप डाल सकते हैं। हम देखिए, हम इसको अच्छे से खोलेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए, लगभग लगभग पूरी सब्जियाँ पक चुकी हैं, 10-15 मिनट के अंदर ये सब्ज़ी पूरी रेडी हो जाती है। देखिए, अब हम इसमें क्या करेंगे, मसालों को डाल देंगे और हल्का सा इसके साथ पानी भी डाल देंगे, क्योंकि जैसे पूरे मसाले इसके अंदर चले जाएँ जार में। इसको हम 5 मिनट के लिए फिर से ढक देंगे। देखिए, हमारी सब्जी बन के एकदम रेडी हो गई और खुशबू तो एकदम लाजवाब आ रही, क्योंकि हमने इसमें देसी धनिया का यूज़ किया है। ठंड का मौसम है, हरी हरी सब्जियाँ खाइए, इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दीजिए। फिर इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। गार्निश के लिए हरा धनिया डाल देते हैं। हमारी सब्जी बनके रेडी हो गई है। हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें।